Hello, my dear students of class 10. Today I will teach you chapter industrialization. Previous video में मैंने industrialization के अंतर्गत कैसे इंग्लैंड में स्टीम पावर वहां आई थी इसके बारे में मैं बताई थी. अब स्टीम पावर के बाद वहां पे इंडस्ट्री के आने के बाद स्टीम पावर और हैंड लेबर दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो बिगनिंग पीरियड में इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रीफर करते थे या हैंड पावर को, आज उसी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ. तो आज का जो टॉपिक है वो है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. यानी कि हैंड लेबर और स्टीम पावर इस दोनों में आज प्रीफर करना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा हैंड लेबर सिलेक्ट किया जाता था या स्टीम पावर. तो अब इसमें देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जिस समय की ये स्टोरी है वहां खास करके इंग्लैंड में लेबर की कमी यानी वर्कर्स की कोई कमी नहीं थी, यानी कि प्लेंटी ऑफ लेबर्स वहां मौजूद थे, यानी कि नो शॉर्टेज ऑफ लेबर, वहां लेबर की कमी नहीं थी. तो जब बहुत मात्रा में जब लेबर रहेंगे तो वो किस चीज का डिमांड करेंगे, वर्क का डिमांड करेंगे. और जब वर्क का डिमांड करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट का ये ध्यान रहता है कि उनको किसी भी प्रकार से जॉब देना है. और वहां के जो लेबर थे यानी वर्कर्स थे वो कहते थे कि मुझे किसी भी प्रकार से काम मिलनी चाहिए, या लो वेजेस में भी वो लोग काम करने को तैयार हो जाते थे. क्यों तैयार हो जाते थे लो वेजेस में? क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं इस काम को नहीं करता हूँ तो कोई दूसरे लेबर आकर के इस काम को हमसे भी कम वेजेस में वो काम कर देंगे, इसीलिए वो लो वेजेस में भी काम करने को तैयार हो जाते थे. तो इंडस्ट्रियलिस्ट को इसी चीज में प्रॉफिट होता था. तो इंडस्ट्रियलिस्ट स्टीम पावर को प्रीफर नहीं करके क्या करते थे, वो हैंड लेबर को ही प्रीफर करते हैं. तो आज इसके इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों हैंड लेबर को प्रीफर करते थे और स्टीम पावर को क्यों नहीं प्रीफर करते थे, इसके ढेर सारे काउस हैं, मैं एक एक करके बता रही हूँ. तो फर्स्ट काउस था इसमें कि प्लेंटी ऑफ लेबर्स, यानी कि लेबर की जो संख्या थी यानी मात्रा थी, नंबर ऑफ लेबर्स, वो बहुत मात्रा में थे, यानी कि लेबर लो वेजेस में भी काम करने को तैयार हो जाते थे, जिसके चलते इंडस्ट्रियलिस्ट को ये प्रॉफिट होती थी कि अगर स्टीम पावर को हम खरीदते हैं तो वो ज्यादा उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन हैंड लेबर में मुझे कम से कम पैसा इन्वेस्ट होगा, इसीलिए वो लोग हैंड लेबर को ही प्रीफर करते थे, स्टीम पावर को वहां प्रीफर नहीं करते थे. अब हम चलेंगे इसके सेकेंड पॉइंट पे. सेकेंड पॉइंट है मशीन्स रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. मशीन्स जब आप एक बार पैसा लगा करके जब आप खरीद लेंगे तो क्या होता है कि उसमें तो ये नहीं होगा कि उसमें कभी कम पैसे की जरूरत होगी, कभी ज्यादा पैसे सोच नहीं है. इसमें जब आप मशीन्स खरीद के आप ले आएंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन लेबर का क्या होता है, कॉस्ट कभी बढ़ता है कभी घटता है, जिसके चलते ये इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे कि स्टीम पावर की जगह वो हैंड लेबर का ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करते थे. अब जैसे कि इसके थर्ड पॉइंट को हम लोग देखें कि सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो एक सीजन के लिए ही चलते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो एक सीजन के लिए लेबर को हायर कर लेते हैं और एक सीजन चलाने के बाद उस लेबर को 3-4 महीने या 5 महीना के लिए छुट्टी कर देते हैं. तो कम से कम 4-5 महीने के लिए तो मुझे पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा. तो और जब आप मशीन ले आएंगे, स्टीम पावर को अपने घर में ले आएंगे, तो उसमें तो ऐसी बात नहीं होगी कि 4-5 महीने के लिए आप मशीन को बंद कर देंगे.
क्या होता था कि वैसे फैक्ट्री जो सीजनल चलती थी, जैसे कि आप मान लीजिए कि सीजनल फैक्ट्री में जैसे कि गैस वर्क हो गया, गैस वर्क में जैसे ठंड के मौसम इंग्लैंड में ज्यादा ठंड पड़ती है, जिसके चलते वे लोग हीटिंग इक्विपमेंट होता है वो मतलब विंटर सीजन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। लेकिन जब विंटर सीजन के गुजर जाने के बाद वो हीटिंग इक्विपमेंट जिस फैक्ट्री में बनते हैं वो फैक्ट्री अपने आप क्या होती है, बंद हो जाती है। तो जब हीटिंग इक्विपमेंट का यूज बाहर बंद होता है तो वो फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती है। इसमें ढेर सारे फैक्ट्री हैं जो सीजनल चलते हैं, जैसे आपको प्रिंटर्स हो गए या स्वेटर्स हो गए। स्वेटर्स तो मान लीजिए आप गर्मी के मौसम में नहीं पहनेंगे और ना उसको खरीदेंगे, तो स्वेटर्स का भी जो फैक्ट्री होता है वो आपको सीजनल चलती है, कुछ महीने चली उसके बाद हम लोग लेबर को क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं। उसके बाद आपको क्रैकर्स फैक्ट्री, जैसे कि पटाखा, दीपावली आती है तो क्रैकर्स बनती है, दीपावली खत्म क्रैकर्स बनना बंद हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री देखे जाते हैं जो कि सीजनल ही चलते हैं, तो उस सीजन पे हम कुछ लेबर को हायर कर लेते हैं और काम करवा करके उसके बाद उस लेबर को हम लोग छुट्टी कर देते हैं। लेकिन जब आप घरों में स्टीम पावर ले आएंगे तो ये बात संभव नहीं होगी। तो क्रैकर्स फैक्ट्री हो गए, जैसे राखी की फैक्ट्री हो गई, राखी कब बनती है, जब रक्षाबंधन आती है तो राखी बनती है, उसके बाद नहीं तो बननी बंद हो जाती है। अम्ब्रेला फैक्ट्री हो गए, रेनी सीजन है तो अम्ब्रेला तैयार होगी, नहीं रेनी सीजन है तो अम्ब्रेला तैयार नहीं होगी। तो इस प्रकार हम ढेर सारे ऐसे फैक्ट्री वहां पर थे जो सीजनल चलते थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट का मानना था कि अगर हम स्टीम पावर को अपने फैक्ट्री में ले आते हैं तो मुझे पूरे सीजन वर्क नहीं मिल पाएगा, तो क्या होगा, कुछ महीनों के लिए मेरी मशीन बैठी यानी स्टीम पावर को मुझे बैठा के रखना पड़ेगा, जो मेरे लिए प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। तो इसलिए इन लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हैंड लेवर को ही, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हैंड लेवर को ही प्रीफर करते थे। तो ये आपका तीसरा पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे फोर्थ में, मशीन्स प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स ओनली। अब हम देखेंगे कि मशीन्स, किसी भी मशीन से आप सेम आइटम्स निकाल सकते हैं, जैसे स्वेटर भी बन रही है तो सेम एक ही प्रकार के यानी यूनिफॉर्म आइटम उसमें से निकलेंगे। आप स्वेटर में डिजाइन खोजेंगे, चाहे कलर में डिजाइन हो या साइज में जो डिजाइन आप खोजेंगे वो उसमें मशीन्स में संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि उस समय का एग्जांपल मैं देती हूँ कि उस समय इंग्लैंड में लगभग 5000 वेराइटीज थे आपको हैमर्स के, हथौरे के 5000 वेराइटीज थे, और एक्सिस के लगभग 45 मतलब वेराइटीज थे। तो अब मान लीजिए कि 5000 वेराइटीज हैमर के थे तो आपको 5000 मशीन्स को उसमें क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, यानी एक्सेस बनाने के लिए आपको 45 मशीन्स को एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके डर से वो लोग क्या करते थे कि स्टीम पावर यहाँ नहीं रख करके हैंड लेबर को ही रखते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 5000 वेराइटीज हैमर के बनानी है तो आप मुश्किल से 100-200 लेबर को रखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी यानी जो वेराइटीज आपको हैमर के चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, एक्सेस के भी जो वेराइटीज चाहिए, स्वेटर के भी जो वेराइटीज चाहिए वो वेराइटीज आपको मिल जाएंगे। तो हैंड लेबर क्या होता है, हैंड लेबर में आप अपने मनोनुकूल प्रोडक्ट्स को तैयार कर सकते हैं, लेकिन मशीन्स में आपको यूनिफॉर्म आइटम मिलेंगे, जिसके चलते इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे यानी कि स्टीम पावर की जगह हैंड लेबर का वो लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूटिलाइज करते थे। तो ये आपका था फोर्थ पॉइंट। चले नेक्स्ट है आपको फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में है कि द एरिस्टोक्रेट्स प्रीफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। और उस समय इंग्लैंड में जो एरिस्टोक्रेट क्लास थे, एरिस्टोक्रेट क्लास इट मींस कुलीन वर्ग,
यानी कि जो राजा महाराजा थे या उस रेंज में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, तो एरिस्टोक्रेट्स क्लास के जितने भी पीपुल थे वो एक ही आइटम, यानी वही आइटम जो मशीन्स में तैयार होती है, जो सारे वर्कर्स भी यूज कर रहे हैं और वो भी यूज करें, वो अपना ये चीज संभव नहीं था उनके लिए। वो हैंडमेड सामान को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पसंद करते थे, लाइक करते थे, और मशीन्स के आइटम जो सेम आइटम हर एक जगह फैल रही है उस आइटम्स को वो लोग पहनना नहीं चाहते थे। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी वही सेम क्लॉथ को मतलब ड्रेस पहने हुए है और सेम उसके वर्कर्स भी पहने हुए, तो वो उनके लिए संभव नहीं था। वो बार बार हैंडमेड सामान ही प्रीफर पसंद करते थे। तो अब ये आपको 5 पॉइंट्स हो गए किसके लिए। तो हैंड स्टीम पावर की जगह इंडस्ट्रियलिस्ट किस चीज का प्रयोग करते थे, तो हैंड लेबर का यूज करते थे। स्टीम पावर के आने के बाद भी वो लोग हैंड लेबर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूटिलाइज करते थे। तो इस टॉपिक पर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैं इसमें 5 पॉइंट्स भी लिख दी हूँ। आप 5 पॉइंट्स को डिटेल से लिख देंगे, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन किस रूप से इसमें रहेंगे, तो फर्स्ट वैसे HW के रूप में भी मैं लिख दी हूँ, आप इसको बना के भी देखेंगे। व्हाई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रीफर हैंड लेबर ओवर स्टीम पावर, यानी कि स्टीम पावर की जगह इंडस्ट्रियलिस्ट हैंड लेबर को क्यों प्रीफर करते थे। तो ये आपका HW है, आप इसको तैयार कर लेंगे। और इसी इस पे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, इस पे जब भी क्वेश्चन आपको आएगा वो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। तो अब इसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसका जो टॉपिक है वो है आपको लाइफ ऑफ द वर्कर्स। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी लाइफ ऑफ द वर्कर्स। धन्यवाद।